दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2023 में बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज रिलीज की गई हैं, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि शायद आप अपनी फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 8, ऑल ऑक्सीज इन गोवा सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है चार दोस्तों से जो कि गोवा में जाके एंजॉय करना चाहते हैं और उनकी एंजॉयमेंट किस हद तक जाती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं क्लिक ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6। इस सीरीज को हिंदी और बंगाली दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 7, आरिश सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज में टोटल चार कैरेक्टर्स के लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है और हर एक कैरेक्टर की एक अलग ही लाइफ और अलग ही प्रॉब्लम को इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज फिलहाल बंगाली में रिलीज की गई है, इसकी फिलहाल अभी तक हिंदी डबिंग नहीं की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म 8 ओरिजिनल पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 6, रात्रि के यात्री सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जो कि अपनी तकलीफ मिटाने के लिए एक दूसरा ही रास्ता चुन लेते हैं और वो रास्ता उनके लिए कितना ज़्यादा सटीक होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं हंगामा ओरिजिनल और MX प्लेयर पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 5, यूनाइटेड कच्चा सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों, यूं तो इस सीरीज के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज में आप देख पाएंगे बहुत सारे ऐसे इंडियंस होते हैं जो कि बहुत सारे सपने लेकर विदेश जाते हैं, लेकिन वो सपना वहीं पर जाकर चकनाचूर हो जाता है और वो सभी इंडियंस विदेश में जाकर किस तरह सर्वाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, लेकिन इस सीरीज में कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जिसे आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 4, राणा नायडू सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि थ्रिलर और एक्शन सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है राणा नायडू से जो कि बॉलीवुड के लिए इलीगल काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच उनका सामना उनके ही पिता से होता है और लास्ट तक इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 3, क्लास सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक मिडिल क्लास लड़के से जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से हायर क्लास में एडमिशन ले लेता है, लेकिन एडमिशन लेने के बाद उसके ऊपर कौन कौन से बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, इवन उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह हैंडल करता है यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज में आप हायर क्लास स्कूल के लाइफ को भी एंजॉय करने वाले हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 2, गंदी बात Season 7 सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों, इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि गंदी बात की हर एक सीजन की मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आप सभी को पता ही है। सीरीज में इस बार फिर से बहुत सारे एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आपको नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं और हर एक कहानी आपको हो सकता है पसंद भी आ जाए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं ALT बालाजी पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 4.7। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे सिनेमा मरते दम तक सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इस सीरीज के कॉन्सेप्ट स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि सिनेमा के दीवाने हैं। एक समय ऐसा था जब बी ग्रेड्स मूवी हॉल में लगा करती थी, लेकिन अचानक से ही वो मूवी बैंड हो जाती है। लेकिन बैंड होने के पीछे असल में क्या रीज़न रहता है, इवन उस मूवी को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत रही थी, ये सारी की सारी चीज़ें इस कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।